नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे सीटेट रिजल्ट 2024 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 28 जनवरी 2024 की। बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे फाइनल आंसर की को लेकर क्या अपडेट है। जी हाँ दोस्तों, सभी बच्चे बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि फाइनल आंसर की जारी की जाए। देखिए एक बात आपको बता दें, कितने नंबर अब की बार कॉमन बन सकते हैं। देखिए होता क्या है ना, जब तक हमारी फर्स्ट आंसर की नहीं आती तब तक दोस्तों ये बात क्लियर नहीं हो पाती कि कितने नंबर कॉमन आपके बनेंगे। होता है ये है ना कि जैसे मान लेते आपके चार विकल्प दिए गए थे, अगर मान लेते सीटेट किसी भी आंसर को ए विकल्प मानता है और उसका सही आंसर बी बन रहा है, तो ऐसी कंडीशन में होता है क्या है कि ए को भी कभी कभी सही माना जाता है, बी को भी, या कभी कभी दोस्तों उस क्वेश्चन को ही बिल्कुल सबके लिए मतलब उस नंबर को एक नंबर दे दिया जाता है। देखिए हर बार जब सीटेट का फाइनल रिजल्ट आता है तो बहुत से बच्चे 80 नंबर, 85 नंबर इसके करीब आते हैं। देखिए जो बच्चा जनरल कैटेगरी से आता है, जरा समझ लीजिए जनरल या ईडब्ल्यूएस के लिए आपको पास होने के लिए मिनिमम 90 नंबर, 89 नंबर तक आप क्या माने जाएंगे, नॉट क्वालिफाइड या फेल, ठीक है। तो अगर जो बच्चे आरक्षित वर्ग में आते हैं ओबीसी कैटेगरी, एससी कैटेगरी, एसटी या फिजिकल हैंडीकैप से, आपको पास होने के लिए 82 नंबर। बहुत से बच्चे कहते सर हमारा 81 बन रहा है, 80 बन रहा है, अब बताइए क्या होगा। तो देखिए दोस्तों आपकी सारी मेहनत खराब हो जाएगी अगर आपका एक या दो नंबर भी कम हो जाता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि भैया आप क्वालिफाइड करें। अब देखिए दोस्तों न्यूज़पेपर के माध्यम से आज की बड़ी खबर हम आपके सामने रखेंगे। 28 जनवरी 2024 तक की अपडेट हम आपके सामने रखेंगे, सीटेट ऑफिशियल वेबसाइट से क्या अपडेट आ रही है। और दोस्तों हर बार सीटेट में कितने नंबर फ्री के आपको मिल जाते, कॉमन नंबर मिल जाते, इसको भी समझना जरूरी है, क्योंकि अभी तक आपने विभिन्न यूट्यूब चैनल के माध्यम से या अन्य वेबसाइट के माध्यम से अपने आंसर की को मिला लिया होगा। और आप लोग को दोस्तों अब लगभग लगभग जानकारी हो गई होगी कि आपके नंबर कितने बन रहे हैं, क्या आपके 90 नंबर आ रहे हैं कि नहीं। देखिए हम आपको एक बात बता दें, 90 नंबर आने से आपको ये फायदा मिलता है, आप किसी भी अदर स्टेट की अगर कोई वैकेंसी आती है, मान लेते आप रहने वाले उत्तर प्रदेश के, वैकेंसी में आपको बिहार जाना है, बिहार में आजकल देख रहे होंगे ताबड़तोड़ वैकेंसी आ रही है, तो आपको मिनिमम वहाँ पर 90 नंबर चाहिए, चाहे आप जनरल कैटेगरी के हो, चाहे आप एससी कैटेगरी के हो, ओबीसी कैटेगरी के हो। अब दोस्तों देखिए अगला पेपर हमारा यूपी टेट का हो सकता है। एक और बात, नेक्स्ट सीटेट कब तक होगा हमारा, ठीक है। तो चलिए 21 जनवरी का पेपर तो हो गया, अब देखिए पेपर लीक प्रकरण को लेकर क्या बात है, क्या पेपर रद्द कर दिया जाएगा, क्या पेपर दोबारा से होगा, किन बच्चों का पेपर दोबारा होगा। देखिए आपके मन में काफी सवाल होंगे। देखिए एक बात आपको बता दें, जो ये पेपर दोबारा की बात आती, परीक्षा की नई तारीख आती है या पेपर लीक घटना आती है, इससे दोस्तों बहुत गलत प्रभाव भी पड़ते हैं। होता क्या है ना, अब आप लोगों को लगता है कि भैया कोई भी पेपर आसानी से लीक हो जाता है, चलो पैसा देके हम खरीदेंगे। अब यहाँ पर जरा एक बात को देखिए, बीपीएससी में नौकरी के नाम पर दारोगा पुत्र से 40 लाख रुपए की ठगी हो जाती है। देखिए 40 लाख रुपए ठग लिए गए, तो अब आप लोग भी दोस्त ऐसी कोई गलती मत कर दीजिएगा, नहीं तो आपने काफी यूट्यूब चैनल पर देखा होगा भैया पेपर तो बड़ा आराम से आउट हो जाता है, आपको लगेगा भैया सीटेट का पता नहीं आउट हो गया, हमको नहीं मिल पाया, अगली बार पेपर होगा हम भी कुछ पैसे देके खरीद लेंगे। इन सब गलतियों के चक्कर में आपके पैसे बर्बाद हो सकते हैं, बच के रहिएगा, ठीक है। नौकरी लगवाने के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी, दो गिरफ्तार हुए, लखनऊ से दोस्त की अपडेट आ रही। मतलब ये दोस्तों भैया जो ये घोटाला चलता है ये हमेशा चलता रहता है, आपको कोई ना कोई लालच देगा कि चलो पेपर में आपको पास करवा देंगे, हमारी पकड़ बहुत दूर तक है, भैया जो नंबर फीड करते हैं उनसे हमारी डायरेक्ट जान पहचान, ऐसा भी लोग आपसे कह सकते हैं, उनसे आपको बचकर रहना है, ठीक है, सावधान रहिएगा, नहीं तो फिर आपका अच्छा खासा पैसा बेकार हो जाएगा और वो लौटेगा भी नहीं। अब देखिए लेखपाल के रिक्त पद भरने की मांग की जा रही है, जो वैकेंसी दोस्तों चल रही थी उसमें रिक्त पदों को भरने की मांग की गई है, ठीक है। अगली अपडेट देखते हैं, यूपी में दोस्तों जो वैकेंसी आई थी 60,244 सिपाहियों की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 17 और 18 तारीख को। देखिए दोस्तों जब यूपी पुलिस में 60,000 पदों पर वैकेंसी आ सकती है तो यूपी पीआरटी में 51,112 पद खाली होने की बात तो सरकार ने भी मानी थी, तो आने वाले समय में डीएलएड छात्रों के लिए बड़ा तोहफा होगा, अच्छा मौका होगा। अब देखिए बीएड छात्रों को मौका कहाँ मिलेगा, जहाँ 6-8 वैकेंसी आएगी। यूपी में क्या है कि एक वैकेंसी चल रही थी 1894 शिक्षक भर्ती का नाम था, 1504 यहाँ पर, ठीक है, जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए, ठीक है, पेपर हुआ था, लेकिन अभी तक उन बच्चों को नियुक्ति पत्र नहीं मिल पाया, 2021 की वैकेंसी थी। तो आप समझ सकते हैं कभी कभी समय काफ़ी लग जाता है। तो जरा एक रिजल्ट भी देखते हैं 69,000 भर्ती का, जो यूपी में दोस्तों लास्ट प्राइमरी लेवल की वैकेंसी आई थी 1-5 के लिए। देखिए इसको जानना इसलिए जरूरी होता है ना कि आप जब नेक्स्ट वैकेंसी में सम्मिलित हो तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि कितने बच्चे दावेदारी करेंगे, कितने बच्चे सम्मिलित हो रहे हैं।
और आप कितना नंबर पाके नौकरी पा सकते हैं। देखिए आपके साथ जो परीक्षा में सम्मिलित होंगे डीएलएड आप रहेंगे, शिक्षा मित्र रहेंगे और अदर्स, खाली बीएड कैंडिडेट्स यहाँ पर हटा दिया जाएगा प्राइमरी लेवल पर 1-5 में। तो जो बच्चे डीएलएड से हैं तैयारी में लग जाइए, एक अच्छा मौका, ठीक है, एक सबसे अच्छा मौका आपको मिलेगा जो 2024 में हो सकता है कि अगले महीने, ठीक है, फरवरी हमारा शुरू ही होने वाला है, ज्यादा समय बचा नहीं है, एक बहुत ही बढ़िया मौका आपको मिल सकता है, ठीक है। तो इस पर आप लोग की पूरी नजर होनी चाहिए। अब बिहार में क्या हुआ, महागठबंधन की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। लालू ने अपने विधायकों से पटना नहीं छोड़ने को कहा है, ठीक है। दो पेज क्या किया जा रहा है, नीतीश आज इस्तीफा देकर एनडीए के साथ बिहार में सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों होता क्या है ना कि आपको भी समय समय पर देखना है कि कहां पर अपॉर्चुनिटी मिल रही है, कहां पर आपको मौका मिल रहा है, भैया नौकरी लीजिए, ठीक है ना, इंतजार मत करिए, जहां पर आपको मौका मिले चौका मारिए। इस खबर को जरा देखते हैं, बीपीएससी में नियुक्ति के नाम पर एक महिला दरोगा के बेटे से 40 लाख रुपए ठगी करने का आरोप चिकित्सक दंपत्ति पर लगा है। इस बाबत पीड़ित रितेश कुमार उर्फ सोनू ने, ठीक है, जख नूपुर थाने में डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार उनकी पत्नी व पिता पर केस दर्ज करवाया है। सोनू ने बताया कि डॉक्टर के पिता ब्रज किशोर प्रसाद ने उसके परिवार का पुराना संबंध है। बातचीत के दौरान ही ब्रज किशोर ने सोनू की माँ आशा सिंह से उसे बीपीएससी 68वीं में पास करवा देने की बात कही थी। उन्होंने कहा कि उनके बेटे डॉक्टर धर्मेंद्र की वहाँ अच्छी पकड़ है। इसके बाद सोनू व उसके परिवार के सदस्य ने उनके झांसे में आ गए। 10 मई 2023 को जब रिजल्ट आया तो उसमें सोनू का नाम नहीं था, ठीक है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि क्या क्या होता है, और जो दंत चिकित्सक बोले आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है। अब जो भी बात हो दोस्तों यहाँ पर एक बात समझ लीजिए कि ऐसी जब घटनाएं सामने आती ना कि पेपर आउट हो गया, पेपर लीक हो गया, तो आपके मन में भी आता होगा कि चलो भैया अगली बार पेपर होगा तो हम भी पैसा देके खरीदेंगे या कुछ होगा, तो ऐसे लोगों से बच के रहिएगा, नहीं तो आपका पेपर भी जाएगा और आप लोग गलत पेपर के चक्कर में फंसेंगे और जो आपकी मेहनत है वो भी खराब होगी, ठीक है। तो फिलहाल दोस्त इंतजार करेंगे, अगर पेपर रद्द होता है या पेपर दोबारा से होता है तो वो बात हम आपके सामने रखेंगे। और आपको बता दें पहले ही दिन से 21 जनवरी से ही हम आपको बता रहे हैं कि भाई पेपर एक बार सीटेट का हो जाता तो सीटेट का इतिहास ही अलग है, सीटेट का पेपर आज तक रद्द नहीं हुआ, ठीक है। बहुत ज़्यादा होगा तो कुछ सेंटर का पेपर दोबारा कराया जा सकता है। आप ये सोचिए कि जैसे हमारा यूपी टेट का पेपर रद्द हो गया था, बहुत से बच्चे यूपी टेट का एग्जाम्पल देते हैं, तो दोस्तों यूपी टेट का पेपर सिर्फ एक राज्य यूपी में होता है, इसलिए इस पेपर को रद्द करना आसान था, लेकिन सीटेट का पेपर भैया पूरे देश में हुआ है। अब कोई आके ये गारंटी नहीं लेगा कि भैया यूपी में पेपर लीक हुआ था या इस सेंटर पर, उनका रद्द कर दीजिए, बाकी का कोई दिक्कत नहीं है। कोई बिहार से भी गारंटी नहीं लेगा, कोई दिल्ली से भी नहीं गारंटी लेगा, कोई राजस्थान क्या कोई लेने आएगा, बताइए। आप लोग समझिए पहले आप लोग इस सब बातों को, ठीक है। अभी आप लोग और भी वैकेंसी में सम्मिलित होंगे, उस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। तो सीटेट 2023 का रिजल्ट आया था, प्राइमरी में लगभग 25% और जूनियर में 8.6% लोग ही परीक्षा पास कर पाए थे। तो इस बार का रिजल्ट बहुत ही अच्छा देखने को आपको लग रहा होगा कि अगर पेपर आउट हुआ होगा तो रिजल्ट एकदम गजब आ जाएगा। तो इंतजार करिए, रिजल्ट अब आने वाला है, ठीक है। और बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो 1-2 नंबर से रह रहे हैं, उम्मीद करेंगे दोस्तों नंबर बढ़ेंगे, फ्री के नंबर मिलेंगे आपको, कॉमन नंबर, बोनस अंक, जो भी आप उसका नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल अब आंसर की किसी भी वक्त आपके सामने होगी, कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया है जहाँ से आप लोग रिजल्ट और आंसर की डाउनलोड कर पाएंगे। चलिए दोस्तों मिलेंगे एक और वीडियो में, और फिलहाल आप लोग सावधान रहिएगा, किसी फर्जीवाड़े का शिकार मत होइएगा। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्ट।